और भैया यहाँ पे साथ में है ये देखो कभी ना भीगने वाला पत्ता, पूरा गिर जाता है। ये देखो कितने हेलो नमस्ते, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। मेरे गांव का नाम हुआ रांची, जो कि उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ एक खूबसूरत सा गांव है। और आज का मौसम देखो यार, आप कितना प्यारा मौसम हो रखा है। मतलब लगभग एक हफ्ते बाद यहाँ धूप लगी है, तो वाओ क्या मौसम हो रखा ना। पीछे देखो आज तो बर्फीले पहाड़ भी दिखाई दे रहे यार, यहाँ तो बहुत दिनों बाद पता नहीं, मेरे को लगभग एक हफ्ते से ज्यादा हो गया घर में, तो मतलब इतनी धूप तो कभी नहीं देखी, मतलब इतने दिन में नहीं देखी। और आज देखो चारों तरफ धूप ही धूप, मस्त वाला मौसम हो रखा है। तो आज देखो छत में डाल रखा है जो ये है ना, ये है झंगोरा, ये देखो सुखाने के लिए डाल रखा है। अभी तो दो चार कट्टे और हैं नीचे, तो वो भी डालेंगे, लेकिन आप भरोसा नहीं है ना कि मतलब ऐसा है कि आज तो अभी इतना ही होगा, लेकिन कल या परसों का भरोसा नहीं होता है कि क्या पता फिर से बारिश हो जाए। मतलब ऐसा है ना कि पहाड़ों के मौसम का भरोसा नहीं है कि कभी कुछ भी हो सकता है। तो अभी मेरा काम है थोड़ा सा इसको मतलब और छांटा छांटा करना, तो तब तक मैं इसको छांटा करता हूँ। तो ये देखो हर छत के ऊपर डाल रखा है झंगोरा, यहाँ पे हो गया, इस वाले छत में हो गया, और जो ये दो घर है ना इनके नीचे वाले छतों में डाल रखा है झंगोरा। सबने डाल दिया देखो सुखाने के लिए, क्योंकि भरोसा नहीं है ना कभी बारिश हो सकती है। तो ये देखो आज बहुत टाइम बाद ना बर्फीले पहाड़ दिखने बैठ गए, ये देखो। तो इस जगह का नाम हुआ जो यहाँ पे ना ये बुग्याल, इस जगह का नाम हुआ पांडुसेरा। तो अब इतना प्यारा मौसम हो रखा है और आगे ना बर्फीले पहाड़ पे प्यारे से बादल चल रहे हैं, मतलब अच्छा भी लग रहा है। तो क्यों ना आपको एक टाइम लैप्स दिखाया जाए उस जगह का, तो आप टाइम लैप्स एंजॉय करो। तो कैसा लगा टाइम लैप्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अगर आप चैनल को नई पहली बार देख रहे हो तो जरूर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो भैया ऐसा है, पहाड़ी लाइफस्टाइल वीडियो बनाता रहता हूँ, तो ज़रूर आप अपना सपोर्ट दिखाओ। तो आज का दिन दिखाते हैं आपको और कुछ, देखते हैं क्या क्या करते हैं आज, क्योंकि आज मौसम तो बड़ा प्यारा हो रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। गुड इवनिंग आप सभी लोगों को, अभी लगभग टाइम हो रहा है सीधे 4:30। देखो मतलब सुबह किया था मैंने व्लॉग, और फिर दोपहर में ऐसे ही काम हो गया था, उसकी झंगोरे की मनाई कर रहे थे। देखो खाना खुना खाया हमने और अभी सीधे शाम हो गया। और देखो सुबह कैसा मौसम था ना, पूरा मतलब ऐसे था कि पूरा साफ मौसम था, मतलब एक भी ना आसमान में एक भी बादल नहीं दिखाई दे रहा था। और अभी देखो बूंदा बूंदी होना स्टार्ट हो गई है, और आगे उस साइड देखो धूप लगी हुई है ना, लेकिन यहाँ ना बूंदा बूंदी हो रही है। तो कुछ ऐसा हो रखा है यहाँ का मौसम अभी तो यही है मैंने बताया था ना कि पहाड़ों के मौसम का भरोसा नहीं होता है, कभी भी कुछ हो सकता है किसी टाइम भी, और आजकल तो ज्यादा ही। ये देखो पूरा फर्श देखो यहाँ पे लगभग भीग रखा है यहाँ पे भी, ये देखो। तो फिलहाल ऐसे, और आगे साइड कहीं पर तो अभी धूप भी लगी हुई है, तो यही है धूप भी लग रही है और साथ में बारिश भी हो रही है। तो जैसे ही बारिश वैसे ही रेनबो, देखो इंद्रधनुष, और ये देखो ये कुछ सामने का व्यू थोड़ा, ओ भाई। तो ये देखो जैसे ये टूट गया ना, तो यहाँ पे लगी हुई ये बीन्स की फलियां ये देख सकते हो, और यहाँ पे मैंने अभी देखा, ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा बैंगन लग रखा है चौक के बगल में, और जो ये वाला है ना ये गुलाब का पेड़ है, ये बड़ा वाला है देखो, उसपे ना उसपे भी उसको भी अटकाने के लिए ना वहां पे एक लकड़ी लगा रखी है, ये देख सकते हो। और यहाँ पे भी ये वाला गुलाब का फूल है, लेकिन ये दूसरा वाला है, ये देखो ये रेड वाला, ये दूसरा ही है। और ये हमारा छोटा सा यहाँ पे खेत, यहाँ पे भी फूल लगाए हैं वैसे, और यहाँ पे भी ये बीन्स हो गया, और ऊपर वो तो मक्का मकई हो गया वो देख सकते हो। और यहाँ पे ना ये छोटा सा खेत है लहसुन का, शायद ना लहसुन हो गया, और ये देखो यहाँ पे राई, तो ये चीज है, और ये मीठा करेला है शायद, ये वाली जो बेल है ना अभी तो छोटी हो रही है, अभी नहीं होती है, बाद में होती है, लेकिन शायद मीठा करेला है। और इस साइड देखो जो ये पूरी बेल है ना, ये है चिचिंडा हो गया, और ऊपर पे देखो ये ककड़ी लगी हुई है,
पर वहां पर तो ककड़ी हो गया एक चचंडा। चचंडा देखो ककड़ी से बड़ा है, तो छोटी ककड़ी भी लग गई है वहां पे। और ये है कुछ, ये बड़ी सी देखो इतनी बड़ी बेल। और ये है कुछ सामने का व्यू, कितना प्यारा व्यू है ना इस टाइम मोर का। और एक चीज है ना कि बारिश के मौसम में जैसे जैसे बारिश होती है और साथ में धूप लगती है ना, तो ये वाला कॉम्बिनेशन ना अल्टीमेट होता है। मतलब वो व्यू गजब ही होता है। तो सामने का व्यू देखोगे ना आप इस टाइम, मतलब बूंदा बूंदी हो रही है साथ में धूप लगी हुई है, तो वो मौसम तो भाई गजब का मौसम होता है। तो ऐसा है, अगर आपको भी पसंद है तो आप बताना, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, आपने देखा है तो जरूर बताना मेरे को। और ये देखो जो झुमरा कुछ ऊपर पे था ना, और यहाँ नीचे देखो यहाँ पे भी इतना सारा झुमरा अभी बचा हुआ है, तो इसकी मनाई होनी है। और यहाँ पे ना ये है फूल, और ये फूल का पेड़ देखो कितना बड़ा हो रखा है यही बगल में। और मैं बताता आपको, ये देखो कैसी जगह पे हो रखा है। तो ये देखो ऐसी जगह पे हो रखा है, यहाँ देखो यहाँ से भी पत्थर है सारे, इस साइड भी देखो ये चौक में पत्थर लगा रखे हैं, और बीच में देखो यहाँ पे ऐसे हो गया ये फूल, तो काफी अच्छा है। तो फिर हटाए भी नहीं इसको, तो अब देखो इतना बड़ा हो गया ये, तो इसको हटाए भी नहीं फिर। तो बहुत दिनों बाद मैं आया हूँ अपने घर के राइट साइड, और ये सामने का जो जंगल है ना आजकल ये तो बंद है, और ये खुलता है सीधे दीपावली में, ये वहाँ देख सकते हो। तो आजकल ना बड़ी बड़ी इतनी बड़ी बड़ी घास हो रही है वहाँ, तो देख सकते हो पूरा हरा भरा, ये देखो चारों तरफ इस साइड तो पूरा हरा भरा है। तो आजकल तो ये खुलता है नहीं, आजकल गाय मतलब यहाँ नहीं, हम गाय को यहाँ नहीं लगाते। जिस टाइम पे आप पहले वीडियो देखते होंगे तो मैं यहाँ जा रहा था गायों के साथ, लेकिन आजकल ना ये पूरी ये चार बोलते हैं हमारे पहाड़ी लैंग्वेज में, मतलब जो घास का एरिया होता है ना उसको, तो आजकल ये वाली चार तो बंद है। तो आजकल जाते हैं रोड साइड, मतलब ऊपर रोड से ऊपर चले जाते हैं रोड से ऊपर, तो वहाँ चार खुला रहती है, तो आजकल गाय तो वहीं जाती है खाने के लिए ज़्यादातर। और ये देखो भाई, ये देखो जो बीज की वाली बीन्स होंगी ना, बीज वाली जो मतलब बीज के लिए बचाई रहती है, ये देखो ये देखो ये बीन्स है वो, ये बड़ी वाली बीन्स जिसकी इतनी बड़ी बड़ी बेलें होती हैं, काफ़ी बड़ी बेलें होती हैं इनकी। तो ये वो वाली बीन्स है, और एक तो छोटी वाली है जो पहले ही ख़त्म हो गई थी, मतलब उसका सीजन आता है और लगभग 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में ख़त्म हो जाती है, उसी में सूख भी जाते हैं उसके जो बेल होती है ना वो सूख भी जाते हैं। तो ये चीज़ है। और ये है भाई बीज वाली, ये देखो बड़ी बड़ी, ये देखो राजमा की बीज वाली, तो इसको तो बात के रखते हैं, और फिर ना जब ये पक जाता है तो इसको निकाल के फिर राजमा को अलग किया जाता है, अलग ढंग से किया जाता है, तो वो भी काफ़ी अच्छा है, तो ऐसा भी होता है। और ये है कुछ सामने का व्यू। और भैया यहाँ पे साथ में है ये देखो कभी ना भीगने वाला पत्ता, ऐसा बोल सकते हैं इसको वैसे, ये देखो पता काफ़ी सॉफ्ट होता है ये, तभी इसमें पानी टिक नहीं पाता है, मतलब ये पानी इसको भिगा ही नहीं पाता है, अगर इसको देर तक ऐसे कर दिया तो तब तो शायद भिगा भी देगा, लेकिन अगर ऐसे रहा ना तो यार देखो पानी पूरा गिर जाता है। ये देखो कितने बड़े बड़े पत्ते हैं ना इसके। तो फिर से चले हैं यहां से रांची की तरफ। तो ये था मेरा छोटा सा पहाड़ी लाइफस्टाइल का एक छोटी सी वीडियो। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं आपको अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए पहाड़ी लाइफस्टाइल ब्लॉग।